हमारा जब प्रधानमंत्री, देश का प्रधानमंत्री कोई छोटी मोटी चीज है क्या? जो देश को चलाना है उसको ये नहीं पता कि मैं किस किस चीज का अनावरण कर रहा हूँ। सबकी आंखें फूट गई क्या? किसी को दिखाई नहीं दिया कि ये गलत काम हो रहा है? प्रधानमंत्री जी को रोके कि ये गलत बना है? तो ये शेर, हिंसात्मक शेर, इस देश की आधी आबादी को खत्म करना है और जो रह जाएंगे उनको गुलाम बनाना है, तो और उसमें खासतौर पर अनुसूचित जाति और महिलाएं खासतौर पर, ये जो इनका प्रतीक है, ये मनुवाद का प्रतीक है, जो गरीबों को मारता है, गरीबों पर हिंसा करता है, नए संसद की छत पे नया शेर परिवर्तन करके इन्होंने किया, उसका बिल्कुल प्रतीक है जो हम बार बार कह रहे थे कि नई संसद में नया संविधान होगा, ये तो संविधान भी बदला जाएगा। अवरण कर रहे हैं और जो पुरानी फोटो है शेर की, जो अहिंसा क्या प्रतीक है, अहिंसा बिल्कुल शांति प्रिय तरीके से वो शेर खड़ा है, और दूसरा शेर जो बिल्कुल दहाड़ रहा है, जिसकी आंखें लाल हैं, जो बिल्कुल तैयार खड़ा है इस देश के मेहनतकश गरीब मजदूर महिलाओं को बिल्कुल खाने के लिए, हड़पने के लिए, जो हिंसा करने को तैयार बैठा है, तो क्या प्रधानमंत्री को दिख नहीं रहा? ये सोची समझी साजिश के तहत इस देश को हिंसा में झोंकने वाली ये प्रतीक इन्होंने संकेत दे दिया। प्रतीक के साथ छेड़छाड़ करना तो गैर कानूनी है ना सर? गैर संवैधानिक है, कानून लाना पड़ेगा, कुछ बदलाव करना। यस, वो पूरा उसका कानून है कि जो भी इसके साथ परिवर्तन करेगा, पहली बात तो अगर करना है तो संसद के माध्यम से कानून, उसका ऑलरेडी कानून है, और उस कानून में बदलाव करने के बाद पूरे दोनों सदनों में पास करवा के तब आप उसको कर पाएंगे। लेकिन इन्होंने ना तो संसद को बताया, ना इन्होंने कोई ऑर्डिनेंस लाए, ना इन्होंने कोई अपने कैबिनेट में पास किया, उस पर चर्चा ही नहीं की, क्योंकि ये समझते हैं इस देश के जो लोग हैं SC ST OBC के महिलाओं के जो लोग हैं वो मूर्ख हैं, उनको दिखाई नहीं दे रहा है कि उनके अधिकारों पर कुटाराघात हो रहा है। और ये प्रतीक है, देखिए, नई संसद की छत पे नया शेर परिवर्तन करके इन्होंने किया, उसका बिल्कुल प्रतीक है जो हम बार बार कह रहे थे कि नई संसद में नया संविधान होगा, ये तो संविधान भी बदला जाएगा। तो ये इन्होंने ये चेक किया है कि इनमें करंट कितना बचा है अभी, जो ये तमाम संविधान को मानने वाले लोग हैं इस देश में, जो बाबा साहब को मानने वाले लोग हैं, बुद्ध को मानने वाले लोग हैं, और इस देश के महान संविधान को जो इस देश के चार पिल्लरों पर खड़ा है, न्याय पर खड़ा है, स्वतंत्रता, समता और बंधुता पे के जो चार पिल्लर पर खड़ा है, जो इस तमाम सबको समान न्याय, समानता, भाईचारा देता है, सबको न्याय की गारंटी देता है, तो वो पिलरों को उखाड़ के फेंकने की इनकी साजिश है। और ये अशोक चिन्ह, ये प्रतीक था अहिंसा, शांति और बराबरी का प्रतीक, उसको इन्होंने गैर बराबरी में और हिंसा, ये तो कह रहे हैं कि सारनाथ से लिया गया है, जो म्यूजियम में रखा हुआ है, ओरिजिनल जो अशोक स्तंभ है वहाँ से लिया गया है इसका पूरा नक्शा। देखिए, जो हमारे पुराने जो प्रतीक बने हुए हैं और आज भी लगे हुए हैं संसद पे और जो राष्ट्रपति भवन पे आज भी लगे हैं, भाई आपको सारनाथ जाने की क्या जरूरत थी? आप अपनी छत पे वहाँ देख लेते ऊपर को करके राष्ट्रपति भवन पे कौन सा लगा हुआ है, और ये उद्योग भवन चले जाओ, कृषि भवन चले जाओ, रेल भवन चले जाओ, उनकी गुंबदों पे अभी भी पुराना प्रतीक जो हमारा शेर अशोक चिन्ह लगा हुआ है उसको देख लेते, सारनाथ जाने की जरूरत नहीं थी, आप बेवकूफ बनाते हो। और दूसरी बात ये कि संसद की फाइलों में बाकायदा हमारे अशोक चिन्ह का उसका पूरा कानून बना हुआ है, उसकी फोटो बनी हुई है, उसका तौर तरीके लिखे हुए हैं, तो उसमें से देख लेते, आपको सारनाथ जाने की जरूरत नहीं थी। लेकिन सर ये तो हो गया शेर तो जो कहा जा रहा खूंखार एक नजर आ रहे हैं, लेकिन वो हिंदू रीति रिवाज के हवन पूजन की गई है उसके साथ, लेकिन अशोक का सर मैं ये कह रहा हूँ कि ये जो इनका प्रतीक है, ये मनुवाद का प्रतीक है, जो गरीबों को मारता है, गरीबों पे हिंसा करता है, जो मैं बार बार कह रहा हूँ, ढोल गवार शुद्र पशु नारी, ये है सकल ताड़ना के अधिकारी, ये जो शेर उनका पालतू कुत्ता है चंद लोगों का, जो कि इन तमाम वर्गों को कठोरता से पीटता है, मारता है, इनकी मेहनत को खाता है, अगर ये विद्रोह करते हैं, अपनी आवाज़ उठाते हैं, तो उनको उस हिंसात्मक तरीके क्रूरता के साथ दबाता है, उनके अधिकारों को नहीं लेने देता, तो ये उसका प्रतीक है, ये उस मनुवाद को लाना चाहते हैं 2024 में, जो नई संसद इन्होंने बनाई है जिस पे ये लगाया है, उसमें नया संविधान ये मनुवाद पे आधारित लेकर के आएंगे, और ये नया संविधान और नई व्यवस्था लेकर के आएंगे, ये इन्होंने चिन्ह ये संकेत दे दिया है इस शेर को बदल के। लेकिन जो पूजा पाठ की गई है सर, बौद्ध धर्म में तो इसकी कहीं आज़ादी नहीं है, मना ही है, आप पूजा पाठ नहीं कर सकते, लेकिन मोदी जी हवन करवा रहे हैं वहाँ पर। सर ये तो मनुवाद का है ना, हवन, कीर्तन, पलाने, डिकड़े, ये सब
तरफ कर रहे हैं, मनुवाद के प्रतीक हैं। आपको पहली बात तो ये कि जब आप देखो हिंदूवाद में क्या है कि जो कोई नई मूर्ति लगाते हैं किसी भगवान की, देवी देवता की, यस, उसको उसको प्राण जीवित करते हैं कि इसको उसकी पूजा करते हैं, तो ये शेर, हिंसात्मक शेर, इस देश की आधी आबादी को ख़त्म करना है और जो रह जाएंगे उनको गुलाम बनाना है, और उसमें खास तौर पे अनुसूचित जाति और महिलाएं खास तौर पर और वर्किंग क्लास, क्योंकि उन्होंने चार लेबर कोड लिया है ना। अभी मैं सुप्रीम कोर्ट से आ रहा हूँ, किताब लेने गया था, चार लेबर कोड इन्होंने लागू कर दिए बिना उसके करके, और 29 मजदूरों के कानून ख़त्म कर दिए, जिसमें 8 घंटे की ड्यूटी का कानून, मिनिमम वेजेस का कानून, और जॉब सिक्योरिटी का आईडी एक्ट में अगर कोई मालिक निकाले तो उसको लेबर कोर्ट जाने का अधिकार, तमाम अधिकार, हड़ताल करने के अधिकार, सब खत्म कर दिए। अब 12 घंटे काम करेंगे, और देखिए हफ्ते में जहां 7 दिन ड्यूटी मिलती थी, अब ये 3 दिन ड्यूटी करवाएंगे, तनख्वाह आधी हो जाएगी। जो जो 14,000 का मिनिमम वेज था वो आपका 8,000-9,000 रुपए हो जाएगा। 3 दिन आप छुट्टी करो लेकिन 12 घंटे आपको काम करना पड़ेगा। तो ये तमाम अधिकार इन्होंने खत्म कर दिए। तो ये जो शेर आया है, ये शेर अपनी दबंगाई, अपनी हिंसा उन मेहनत कशों पे करेगा, उन महिलाओं पे करेगा जो आज आज़ादी का जीवन जी रही हैं, वो SC ST जो आज इस संविधान की बदौलत पढ़ लिख करके, नए नए रोजगार करके आज आगे बढ़े हैं, और आज प्रशासन से लेकर के, मंत्रिमंडल से लेकर के, और अलग अलग प्राइवेट सेक्टर, पब्लिक सेक्टर में अपनी एक पकड़ बनाए, इनकी बराबरी बैठे हैं, तो वो प्रतीक है कि अब इनको दबा के इनको दोबारा वहीं पहुंचाना, जिस जलालत से, जिस गुलामी से वापस आए बाबा साहब के संविधान की वजह से ही पहुंचे। आपको नहीं लगता कि मोदी जी की कोई गलती नहीं, आर्किटेक्ट से गलती हो गई इसमें, मानवीय भूल हो सकती नहीं है? तो केस दर्ज करो ना भाई, मानवीय भूल है तो हमारा प्रधानमंत्री, ऐसा आंखें नहीं है उसकी, वो देख करके उसको कर रहे, उनको देख रहे यार, वो तो हमारा जब प्रधानमंत्री, देश का प्रधानमंत्री कोई छोटी मोटी चीज है क्या? जो देश को चलाना है उसको ये नहीं पता कि मैं किस चीज़ का अनावरण कर रहा हूँ। और पहली बात तो ये कि उससे प्रधानमंत्री जी ने तो खाली उद्घाटन किया है, वहाँ पूजा करी है, जब वो लगा होगा तो वो अधिकारी, वो IAS रैंक के अधिकारी, सीनियर अधिकारी, जिन्होंने कि उसको मूर्ति को लगवाया, सारी चीज़ें पास की, इन्वेस्टिगेशन किया, तमाम किया, जिसने बनाया ठेकेदार ने, उसको देखा नहीं क्या? उसको पहले सीधा लगा दिया, आँख मूंद करके उस पर पट्टी बांध करके उस पर लगा दिया, तो पूरी साजिश है, पूरी रणनीति के तहत ये किया है। और खाली प्रधानमंत्री थे क्या वहाँ? वहाँ पर प्रेस भी थी, प्रेस ने तो सवाल नहीं उठाया, क्योंकि वो जो गोदी मीडिया थी वहाँ पर, हमारा जो दूसरा मीडिया जो आप खड़े, वो नहीं, जो गोदी मीडिया था उसने तो सवाल नहीं उठाया कि भाई ये क्या, वो नहीं दिख रहे थे। और वहाँ पर तमाम IAS IPS अधिकारी मौजूद थे, वहाँ पर सिक्योरिटी अधिकारी मौजूद थे, वहाँ पर मंत्रिमंडल के और भी लोग मौजूद थे, सबकी आँखें फूट गई क्या? किसी को दिखाई नहीं दिया कि ये गलत काम हो रहा है? प्रधानमंत्री जी को रोकें कि ये गलत बना है, इसका दोबारा इसको पोस्टपोन करें, बाद में उद्घाटन करेंगे। तो ये सोची समझी रणनीति है, ऐसा हो ही नहीं सकता कि प्रधानमंत्री महोदय किसी चीज़ का अनावरण करें, उद्घाटन करें, और उसमें इतनी भारी चूक हो जाए। तो मानवीय भूल नहीं कह सकते, ये मानवीय भूल नहीं है, ये शैतानी भूल है, साजिशतन भूल है, ये साजिशतन की गई है कि अगर खराब हो गया तो ये जी गलती से हो गया, अगर आवाज़ उठी तो, नहीं उठी तो भाई चल रहा है, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं। कहा जा रहा बाबा साहब ने बहुत मेहनत करी, कई धर्मों को छाना, हिंदू धर्म को भी छाना, उनको कोई राष्ट्रीय प्रतीक नहीं मिला, इसलिए उन्होंने अशोका से उठाया ये इसको, तो क्या अब इसको हिंदू की तरफ ले जाया जा रहा है, उनकी विरासत को खत्म किया जा रहा है? देखिए पहली बात तो मैं इस बात को कहता हूँ, बाबा साहब ने जब संविधान में जो अनुच्छेद दिए, जो भी चीजें दी, वो वहाँ डिस्कशन के लिए वहाँ सदन में आते थे। और दूसरी बात, बाबा साहब ने जब इतनी मेहनत करके, जब इस प्रतीक को, शांति के, अहिंसा के प्रतीक को, इसको जब राष्ट्रीय प्रतीक को जब उन्होंने कहा, तो उन्होंने सदन में रखा था, 249 वहाँ पे प्रतिनिधि थे जिन्होंने चर्चा की, उसमें ब्राह्मण भी थे, क्षत्रिय भी थे, सारे थे, राजे रजवाड़े सबके प्रतिनिधि थे, हिंदू महासभा के, RSS के, सबके लोग थे उसमें। तो इन सब लोगों ने मिल करके उस प्रतीक को उन्होंने चुना है, उसको पास किया है सर्वसम्मति से या बहुमत से, उसको पास किया है, उसके बाद इसको उन्होंने अडॉप्ट किया है देश ने। अगर आपको इसको बदलना था तो आप भी उसी तरीके से उसको लेकर के आओ ना संसद में, उसको प्रस्ताव रखो, वहाँ कमेटियाँ हैं, उन कमेटियों में रखो, फिर कैबिनेट में रखो, फिर संसद लोकसभा में लाओ, राज्यसभा में लाओ, और राष्ट्रपति के साइन करवाओ, कौन रोक रहा है आपको? आप करो ना, सिस्टम आपके हाथ में है, किसने रोका है? IAS लॉबी होती है पूरी कमेटी, जिसको दी जाती है कि आप इसको बदलने के लिए, पूरा कार्यक्रम बनाया जाता है, पूरा कानून बनाया जाता है, सब चीज़ चेक की जाती है, क्यों नहीं बनाया आपने? आपने चोरी चोरी ये क्यों कर रहे हो, किस बात कर रहे हैं भाई आपको?
और आप अपनी शक्ति का इस तानाशाही का दिखाना चाहते हो कि हम किसी विपक्ष से नहीं पूछेंगे, हम किसी जनता से नहीं पूछेंगे, हमारे मन में जो आएगा उसको करेंगे। देशद्रोह का मामला है ये। संविधान को ऑटोमेटिक बदल के, उस प्रतीक को बदल के अपने आप मर्जी से करना, और जितने भी लोगों ने इसको, चाहे प्रधानमंत्री जी हों चाहे जो भी हों, ये देशद्रोह का मामला है, देश के खिलाफ साजिश का मामला है।